हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने चैनल उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं बताऊंगा कि सर्दियों में आपको कौन से बर्तन में पानी देना चाहिए और कौन से बर्तन में नहीं देना चाहिए। जो कि हम गर्मियों में दे रहे थे अपने बर्ड्स को पानी, मिट्टी के बर्तन में दे रहे थे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये रखा हुआ मेरे पास मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन मैंने हटा दिया, अब बहुत दिन हो गए हटाए हुए इसको। अब हम दे रहे हैं प्लास्टिक के बर्तन में पानी। ये देख सकते हो सारे प्लास्टिक के बर्तन हैं मेरे पास सारे बर्ड्स के। ये लव बर्ड का है, ये बजीज के पट्टू अलग कर रहे हैं, ये उसका है, बाकी ये है एक बजीज के लिए। एक बड़ा और लेकर आऊँगा बर्तन में बजीज की कलोनी के लिए। अभी छोटा है ये, इससे काम चल रहा है अभी। तो अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी, गुनगुना पानी लेकर आया हूँ मैं छत पर। तो हमें गुनगुना पानी देना या फिर ताज़ा पानी दे सकते हैं आप लोग। गुनगुना पानी देंगे तो और अच्छा रहेगा। और रात में आप लोगों को पानी निकालना है या नहीं निकालना है वो भी बताता हूँ। और डाइट में भी कुछ चेंजिंग करने पड़ेंगी हमें अब, क्योंकि सर्दी आ चुकी है। तो सर्दियों में हम डाइट भी थोड़ी चेंज करेंगे इनकी। तो हम गर्मियों में जो दे रहे थे वो चीज़ हम इनको अलग तरीके से देंगे अब। जैसे गर्मियों में हम गेहूँ दे रहे थे उबाल, इसको भिगो के, तो हम उबाल के देंगे गेहूँ इनको। रात में भिगो के रख दिए, सुबह को उनको हल्का बॉयल करा और दे दिए, क्योंकि उसकी तासीर गर्म हो जाएगी गेहूँ की। और चावल वगैरह जो है, अगर हम चावल दे रहे हैं तो गुनगुने पानी में उसको अंदर हम डाल देंगे थोड़ी देर, 10-5 मिनट के लिए। तो उसको अच्छे से हाथ से मिला के निचोड़ के, पानी उसका अंदर का बिल्कुल निचोड़ के फिर हमें देना है इनको। क्योंकि गुनगुने होंगे, गर्म गर्म होंगे तो उनके शरीर में भी जाके गर्माहट पैदा करेंगे। रोटी जो दे रहे हैं, रोटी भी गुनगुने पानी में डालना है। और जो मौसम को देख के जो गर्म चीज़ें चल रही हैं वो भी हम दे सकते हैं, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया। बथुआ भी दे सकते हैं, बथुआ भी गर्म होता है। क्योंकि जो मौसम के अनुसार जो चीज़ चलती है, हम लोग जो खाते हैं, तो मौसम जो होता है, जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी में जो भी चीज़ चलेगी वो गर्म ही होगी, ठंडी नहीं होगी वो। तो मेथी बहुत अच्छी चीज़ है इनके लिए। और हम तुलसी के पत्ते भी दे सकते हैं इनको, तुलसी के पत्ते भी एक बहुत अच्छे सोर्स है, गर्म होता है वो भी। और आज मैं इनको एग फूड दे रहा हूँ, इनको ब्रेड और एग दे रहा हूँ मिला के मैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे। ब्रेड को मैंने छोटे छोटे पीस में टुकड़े कर लिए हैं और हम इनको अभी ऑफर करेंगे। और अंडे को हम कैसे हाथ से नहीं मिलाएंगे आज, आज हमने ले लिया है ये देख सकते हो, ये कद्दू कद से ऐसा छोटा सा जो होता है, इससे हम घिस के आज अंडे को डालेंगे इसमें। हाथ से नहीं फोड़ेंगे हम इसको, इससे जो है ना घिसने से लच्छे टाइप के बन जाएंगे। फिर हाथ से हम मिला के फिर सबको ऑफर करेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि उनके शरीर में गर्माहट आए। तो ये भी एक तरीका अच्छा है, ये भी आप ले सकते हैं, 10-5 रुपए की मिल जाएगी, 10 रुपए की मिलती है शायद ही। मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था ये, तो मैंने ले लिया था ये। पानी भी दिखाता हूँ आपको मैं, पानी ये है मेरे पास, गर्म पानी ले लिया है मैंने, अभी बहुत हॉट हो रहा है, इसके अंदर थोड़ा मिलाऊंगा पानी में, ये ठंडा कर लूँगा हल्का। गुनगुना पानी देना है हमें, ज़्यादा गर्म भी नहीं देना है, ताकि बर्ड्स के हमारे मुँह जल जाए। और रात में आप अगर पानी निकाल दोगे तो आपको सुबह जब पानी रखोगे तो सुबह पहले पानी पी लेंगे वो। और आपको कोई भी मेडिसिन मिलानी है पानी में तो सुबह मिला सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक हो गया कोई सा भी, या कैल्शियम हो गया कोई सा भी, या मल्टीविटामिन हो गया कोई सा भी, तो वो भी आप इसको उसी टाइम मिला के दे सकते हैं। क्योंकि रात में पानी निकला हुआ होगा, सुबह जब आप उसको पानी रखोगे तो पानी पियेंगे सबसे पहले आगे वो। पानी जब पियेंगे तो उनके अंदर मेडिसिन भी जाएगी शरीर में, वो उनको फ़ायदा भी करेगी। तो मेडिसिन ज़्यादा नहीं देता हूँ मैं, वही कैल्शियम मल्टीविटामिन तो देना ही पड़ता है, क्योंकि कैल्शियम का इनको बहुत ज़रूरत होती है। और अंडे के अंदर भी कैल्शियम होता है, अंडा भी हफ्ते में 1-2 बार दे सकते हो आप अब, क्योंकि मौसम जैसा बदल रहा है, सर्दी आ चुकी है। और एक चीज़ और मैंने लगाई है, ये सामने देख सकते हो अपने सेटअप के ऊपर, ये पन्नी लगा दी, रात को मैं ढक देता हूँ पन्नी। और अभी मैंने 100 वाट वाला जो बल्ब होता है वो लगाया नहीं है मैंने, इसके अंदर भी LED बल्ब ही चल रहे हैं दोनों। अभी 100 वाट वाला बल्ब भी अभी लगा दूंगा, क्योंकि अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, धूप वगैरह सही निकल रही है, तो धूप से थोड़ा इनको अच्छा लगता है। जब कोहरा वगैरह आने लगेगा अगले महीने से, तो अगले महीने से मैं बल्ब लगा दूंगा इसके अंदर, ताकि इनको ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत पड़े। और वेंटिलेशन के लिए इतना मैंने छोड़ दिया है बीच का, ही इतना छोटा रहता है। और उधर पीछे भी रोशनदान है लगे हुए, इधर से हवा आती है, उधर से चली जाती है, उधर से आती है, इधर से चली जाती है। तो वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है आप लोगों ने सब तरफ से कवर कर दिया, अंदर हफ्स हो जाएगी। अगर आप बल्ब जला दोगे तो अंदर हफ्स हो जाएगी, वो भी सही नहीं है, ज़रूरी है इनके लिए वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम जाएंगे और दिखाते हैं अपने बर्ड्स को, ये एग फूड देते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं वो एग फूड, वो पानी में रखेंगे। और कैल्शियम की दवाई तो मैंने कल ही दी थी, तो आज मैं सादा पानी दूंगा इनको खाली। तो चलते हैं अब कॉलोनी के अंदर, आप लोगों को लेकर दिखाते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस होता है खाने का।
और फाइनली मैंने एग फूड ट्रे में कर दिया है। तो अब हम रखते हैं अंदर इसको, और अंदर देखने के बाद में इनका एक्सपीरियंस देखते हैं। और कल मैंने साफ़ सफाई सब कर दी है कॉलोनी की, तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा गंदगाई तो होती नहीं है वैसे इसके अंदर, वही जो छिलका वगैरह होता है वही होता है बस, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। छिलका वगैरह जो होता है दाने का वही होता है। तो देख सकते हो आते ही खाना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, और बहुत ही अब आराम से प्यार से खाएंगे सब। एक एक करके जब उतर जाते हैं, जब एक आता है तो सब आने लगते हैं। तो बहुत शौक से बहुत प्यार से एंजॉय करते हैं इसको, एग फूड को। तो आप भी अपने बर्ड को दिया करें, बहुत शौक से खाते हैं बर्ड। और गर्मी सर्दियों में तो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए, और इनके बच्चे होते हैं, बच्चों को भी अच्छे से ट्रीट कराते हैं। और नरम होती है ये चीज़, आप रोटी मिला सकते हैं इसके अंदर, ज़रूरी नहीं है रोटी हो या पापे होते हैं जो सौप्र रस जो होते हैं, और रोटी बारीक बारीक मिला के अंडे में मिला सकते हैं। मेरे पास ब्रेड था तो मैंने ब्रेड में मिला दिया था। ये सब आ चुके हैं बच्चे, मैंने इसके अंदर सब निकाल लिए हैं। ये देख सकते हो सारे बच्चे निकाल दिए थे मैंने इसके अंदर से। अब इसके अंदर कोई बच्चे नहीं है, दो तीन बच्चे रह गए होंगे, वो अभी दाना खाना सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो उनको भी मैं अलग कर दूंगा इस जगह पे। तो यहाँ पे मैं अलग कर देता हूँ बच्चों को अपने जो पट्टे होते हैं। बाकी लंपट का जोड़ा है अपने पास एक ही, इसके बच्चे भी बहुत बड़े हो गए, अच्छे खासे हो गए, तो निकलने लगेंगे एक आध हफ्ते में, निकल के बाहर आ जाएंगे वो, फिर दोबारा ब्रीड पर आ जाएगा लंपट ही। तो यही थी दोस्तों एक वीडियो छोटी सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। तो बने रहे वीडियो के साथ अंत तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर।